नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार अपने सिंचाई अभियंत्रण विषय के अंतर्गत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं और इसमें जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं हेडवर्स, ठीक है, जो नहर शीर्षकार होता है उस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये आपका पहला लेक्चर है, तो इसमें आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए और नोट्स बनाइए। तो दिक्कत होगी आप हमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी पर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले बात करते हैं नहर हेडवर्क, ठीक है। तो आपको पता होगा कि अगर हम बात करें नहर सिंचाई की, तो नहर में पानी आता कहाँ से? देखिए, उसमें पानी अगर आएगा तो वही रिसोर्स हो सकता है नहर पानी देने वाला जिसका कि फ्री सरफेस लेवल जो है नहर के तल से, ठीक है, ऊपर होगा, तभी तो पानी इसमें आ सकता, नहीं तो पानी नहीं आ पाएगा। तो इसलिए ऐसा करने के लिए नदी का जो है तल, पानी का तल, देखिए नदी की जो प्रॉपर्टीज होती है, पहले बात करते हैं नदी की प्रॉपर्टीज की, तो जो नदियां होती हैं वो हमेशा किसी भी क्षेत्र के निचले भाग से होकर बहती हैं, ठीक है। कारण क्या होता है? देखिए, ग्रेविटी, गुरुत्व, ठीक है। जब पानी बरसता है तो जो पानी जो कलेक्शन होता है एक धारा का रूप लेता है, तो हमेशा अपने निचले, ठीक है, निचले भाग की तरफ ही बहता है। इसलिए जितनी नदियां होती हैं वो किसी भी क्षेत्र में सबसे निचले तल से होकर बहती हैं। तो अब समस्या ये होती है, जब वो ऑलरेडी निचले तल से होकर बह रही हैं तो पानी कैसे आएगा आपके खेत तक, पानी कैसे पहुंचेगा? पानी तो आपका जो आपका खेत का तल होगा तो ऑलरेडी नदी तल से ऊपर होगा। तो इसके लिए देखिए, नदी से पानी ले जाने के लिए नहर, आपको जो है नहर बनानी पड़ेगी। तो अब बात होगी कि नहर का जो तल होगा कम से कम वो आपके खेत से ऊपर हो तभी जो है पानी दे पाएगा। अब ये समस्या आ रही है, आपका खेत का तल भी जो है ऊंचा है और ये नहर जो से निकले उसका तल ऊंचा होगा, ठीक है। मतलब खेत के तल से ऊंचा नहर का तल होगा जबकि सबसे नीचे वाला तल होगा नदी का। अब नदी पानी देने वाली है तो भाई ऐसा करेंगे, हम सबसे पहले नदी का जो पानी है उसके तल को हम ऊंचा करेंगे, ठीक है। उसको ऊंचा करने के लिए दो मेनली स्ट्रक्चर बनाई जाती है, एक होता वियर और एक होता बैराज, ठीक है। तो वियर बैराज के बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे हाइड्रोलिक में। तो देखिये, वियर क्या होता है? वियर की जो प्रॉपर्टीज होती है, बांध ही होता है और पानी जो होता है वियर के ऊपर सोकर बहता है, क्या कहते हैं? वियर बोलेंगे। अगर ऐसा बांध जिसके ऊपर सिर से पानी बहेगा उसे बोलेंगे वियर। और बैराज की बात करें तो देखिए, अगर वियर के ऊपरी तल पर हम फाटक लगा जो है पानी का नियंत्रण उस फाटक द्वारा करें, मतलब फाटक बंद कर दे पानी तल बढ़ जाए और खोल दे तो घट जाए, तो वो स्ट्रक्चर होती है बैराज की। तो इस चैप्टर में आप इसी रिलेटेड सब पढ़ेंगे। तो इसमें कॉमन सी बात है, सबसे पहली बात कि नदी से नहर निकालने के लिए नदी जो मतलब नदी पे जो काम करेंगे आप, नहर के सिर बोल सकते, नहर जितने भी कार्य करेंगे वो हेडवर्स के अंतर्गत आएंगे, चाहे बांध बनाना हुआ, ठीक है, मतलब बियर या बैराज बनाना हुआ। और दूसरी समस्या क्या होती है, जब नदी में पानी आता तो वो विभिन्न क्षेत्रों से होकर पानी आता है, तो समस्या क्या होती है, वो पानी जो होता है अपने साथ बड़ी मात्रा में सिल्ट, ठीक है, सिल्ट समझ, बालू, पतले पतले बालू जो होते उसको भी काट के ले आता है। तो जब ऐसा होता है कि अपने साथ तो बालू का अधिक मात्रा में ले आएगा, तो जो आप डिजाइन करते हैं नहर का, ठीक है, जो नहर डिजाइन हो गई वो अब उस क्षेत्र में कितने पानी की आवश्यकता है उसी के अनुसार डिजाइन करते हैं। डिजाइन में क्या होगा, उसकी जो नहर है उसके अनुप्रस्थ काट की चौड़ाई और गहराई, तो आप उसी के अनुसार डिजाइन किए हैं। तो जब उसमें अधिक मात्रा में सिल्ट आ रहा है पानी में, तो पानी का जब वेग, ठीक है, वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, वो जो है सिल्ट को नीचे छोड़ना शुरू करेगा और सिल्ट क्या होगा, डिपॉजिट होगा। अगर सिल्ट डिपॉजिट होगा तो नहर का जो अनुप्रस्थ खंड है वो भी डिस्टर्ब होगा, मतलब उसकी गहराई कम होती जाएगी। तो भाई जब गहराई कम होती जाएगी तो उसमें जो है पानी की मात्रा भी कम ही आएगा, समझ रहे हैं। तो जो डिजाइन हुआ है तो उसके अनुसार पानी से मिल नहीं पाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप किसान जो है उस क्षेत्र में जितने किसान आएंगे उस नहर से रिलेटेड, तो उनके खेतों तक पानी पहुंच ही नहीं पाएगा, पानी कम रह जाएगा, ठीक है। तो
सिल्ट को रोकने के लिए हेडवर्क्स पर भी जो आप जो है विभिन्न कार्य किए जाते हैं, ये भी आपके हेडवर्क्स का ही अंतर्गत सब आएगा, सिल्ट वगैरह सब रोकने के लिए, इसको आप आगे समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन, इस चैप्टर में हेडवर्क्स किसे कहेंगे, उसका ऑब्जेक्ट उद्देश्य क्या होगा, और इसके बाद जनरल लेआउट, समझ रहे हैं, जनरल लेआउट क्या क्या करेंगे वहाँ पे जहाँ से आपको नहर निकालनी है, उसके हेडवर्क्स पे कौन कौन मतलब किस तरह जो है लेआउट करेंगे वो। इसके बाद में फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट, ठीक है, तो जो हेडवर्क्स पे जितने आपने काम किए हैं उनके क्या क्या फंक्शन हैं, कार्य हैं, वो आप इसमें समझेंगे। इसके बाद में आगे इसको लास्ट जो है डिफरेंस बिटवीन वीर एंड बैराज, तो ये टॉपिक आप हाइड्रोलिक में पढ़ते आए हैं, यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ डिफरेंट मतलब वीर और बैराज में क्या अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं, व्हाट इज कैनाल हेडवर्क्स। तो देखिए, नहर के शीर्ष पर नदी के जल स्तर को ऊंचा करने, ठीक है, समझ गए, मतलब सबसे पहले क्या कर रहे हैं, नदी के जल स्तर को ऊंचा कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं भाई, नहर में पानी व सिल्ट की मात्रा के नियंत्रण तथा सुरक्षा से संबंधित जो कार्य किए जाते हैं उन्हें नहर शीर्ष कार्य कहते हैं। अब इसमें सेकंड हेडिंग क्या थी, ऑब्जेक्ट ऑफ हेडवर्क, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ हेडवर्क उद्देश्य क्या है भाई इसके, तो नहर शीर्ष कार्य के उद्देश्य निम्न कौन कौन, सबसे पहले हेडिंग क्या होगा, नहर से, सॉरी नंबर वन हेडिंग है नदी से नहर निकालने के स्थान पर नदी का जलस्तर ऊंचा उठाना, ठीक है, सबसे पहला क्या कार्य होगा, उसका उद्देश्य होगा कि नदी के जलस्तर को ऊंचा उठाने में, तो उससे क्या फायदे हैं, ठीक है, या क्या कारण हो सकते हैं, हम क्यों उठा रहे हैं, तो इसमें देखिए, नदी में पानी का जलस्तर ऊंचा उठ जाने के कारण से ही नहरों का पानी खेतों तक गुरुत्व प्रवाह द्वारा पहुंचना संभव हो पाता, ठीक है। नंबर दूसरा, नहर के शीर्ष की लंबाई में अधिक कटाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि नदी के जल का तल, ठीक है, सॉरी हो गया, गड़बड़ा गया, यहाँ पे आपका रहेगा तल, ठीक है, यहाँ पर आपका तल होगा, हाँ तो भाई तल, देखिए अपने नहर के शीर्ष की लंबाई में अधिक कटाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है, क्योंकि नदी के जल का तल ऊंचा उठ जाने से नहर में उसके तल को बिना नीचे किए पानी को प्रवाह जो है किया जा सकता है, पानी प्रवाहित हो सकता है। देखिए इसमें क्या मतलब है, जैसे अगर आप वहां पर हेडवर्क्स नहीं करेंगे या जो है वियर बैराज नहीं बनाएंगे, उस कंडीशन क्या होगा, आपको नहर ऐसा बनाना पड़ेगा उसका तल जो है, जो उस पर आपके नदी में पानी बह रहा है उसका, उसके तल से नीचे होगा तभी पानी उसमें जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसी नहर बना देंगे तो सोचिए कि पानी फिर जो है कोई मतलब नहीं रहेगा, पानी पहुंच भी नहीं करेगा, कहीं खेतों तक सिंचाई हो ही नहीं पाएगी। तो अगर जो है मान लीजिए आपने वहां पे जो है बियर बैराज जो है बना दिए नदी पे, उसका तल ऊंचा हो जाएगा, और जब ऊंचा हो जाएगा तो जब आप नहर निकाल रहे हैं वहां से, तो वहां के फील्ड का अगर वहां का क्षेत्र जो है उस तल से नीचे रहेगा तो क्या होगा, आपको जो है ज्यादा कटाई या भराई नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी जो है आप जो नहर बनाएंगे वो इकोनॉमी हो जाएगी, तो कटाव ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। तीसरा देखिए, नदी में पानी के जल स्तर को ऊंचा उठाने के लिए वियर या बैराज बनाया जाता है। आगे चलते हैं, आप देखो समझ गए हैं, इसमें दूसरा देखिए ऑब्जेक्ट में दूसरा हेडिंग है, नहर में जाने वाले पानी की मात्रा पर नियंत्रण रखा। तो भाई हेडवर्क जहाँ आप कर रहे हैं तो वहाँ तो पहला जल स्तर ऊंचा करेंगे नदी का, दूसरा क्या करेंगे, नहर में जाने वाले पानी की मात्रा पर नियंत्रण रखेंगे। अगर ऐसा व्यवस्था नहीं करेंगे तो क्या होगा, वहां पर सबसे बड़ी समस्या ये होगी आपकी कि पानी हमेशा नदी जो है नहर में जाता, जब तक जो है नदी में जल स्तर ऊंचा रहेगा तब तक पानी हमेशा जाता रहेगा, उसका कोई नियंत्रण नहीं होगा। मान लीजिए आवश्यकता नहीं तब भी पानी जा रहा है, इसके साथ साथ कहीं नहर आपकी जो है बनाए हैं अगर कहीं कट गया, उसका तटबंध कहीं टूट गया, उस कंडीशन आप मरम्मत कैसे करेंगे। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं कि उसके शीर्ष पर जो है हेडवर्क जो आप जहाँ पर काम कर मतलब हेडवर्क है शीर्ष कार्य है वहाँ पर पानी के नियंत्रण के लिए व्यवस्थाएं करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉर्मली बोलते हैं शीर्ष रेगुलेटर बोलते हैं। तो शीर्ष रेगुलेटर देखिए, हम एक यहाँ चित्र है आपका, ये देखिए ये फाटक है, ठीक है, आप लोग देखे होंगे इस फाटक अगर नीचे गिरा दिया जाएगा, इस फाटक को अगर हम नीचे गिरा देंगे तो क्या होगा कि पानी बंद हो जाएगा, ठीक है, यहाँ नदी है इससे पानी जो अंदर जाएगा वो बंद हो जाएगा। ये होता है शीर्ष रेगुलेटर बोलेंगे, इसका जो काम होगा
पानी की मात्रा पर जाने वाले जो है नहर में जाने वाले पानी की मात्रा पर नियंत्रण रखना। तो दो ऑब्जेक्ट हो गए, तीसरा ऑब्जेक्ट क्या होता है, नहर में सिल्ट के प्रवेश पर नियंत्रण रखना। तो भाई अगर सिल्ट प्रवेश करेगा तो क्या होगा, नहर क्षमता को घटाएगा, इसलिए जो व्यवस्थाएं की जाती हैं, विभिन्न व्यवस्थाएं करी जाती है, तो आगे हम बताएं डिटेल्स में, ठीक है। तो हेडवर्क का ये भी काम होता है कि नहर में सिल्ट के प्रवेश पर नियंत्रण रखना। चौथा क्या होगा, चौथा है शीर्ष कार्य के अपस्ट्रीम, ठीक है, कि भूमि की पानी के फैलाव से सुरक्षा करना। तो भाई जहाँ पे आप बांध बनाते हैं कि नहर है, अगर वहाँ बांध बना दिए हैं तो क्या होगा कि उसके अपस्ट्रीम में, ठीक है, अपस्ट्रीम मतलब कि जिधर से पानी आ रहा है उस साइड में क्या होगा, पानी जलस्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा। लेकिन जब बहुत अधिक ऊंचा हो जाएगा, अगर बांध जितना ऊंचा आप बनाएंगे तो पानी का जो फैलाव होगा उतना अधिक होता जाएगा, ठीक है। तो उस देखिए अधिक मात्रा में पानी ना फैले, इससे बचाव के लिए क्या करते हैं आप, नहर जहाँ पे वो हेडवर्क कर रहे हैं उसके अपस्ट्रीम नहर के या नदी के अपस्ट्रीम क्या करें, दोनों साइड जो है उसके तटबंध को ऊंचा कर देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा कि पानी उसके अंदर ही रहेगा। तो भाई चौथा ऑब्जेक्ट क्या होगा, शीर्ष कार्य के अपस्ट्रीम, ठीक है, कि भूमि की पानी के फैलाव से सुरक्षा करना। तो जब आप उस साइड ऊंचाई बना देंगे तो पानी क्या होगा, रुका रहेगा। तो ये पहला लेक्चर है, हम आशा करते हैं आप लोग बढ़िया समझ गए होंगे। जो चीज़ समझना कमेंट करिए, व्हाट्सएप करिए, मेल कर सकते हैं, और नोट्स बनाते रहिए, कोई दिक्कत होती है तो हमें संपर्क करिए, धन्यवाद। और हाँ, इसके साथ साथ पीडीएफ भी हम जो है आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, जिससे कि आपको नोट्स वगैरह बनाने में समस्याएं ना हो। जो टॉपिक इसमें पीडीएफ नहीं समझ में आता है तो वीडियो क्या करेंगे, आप वीडियो की स्पीड को धीमा भी कर सकते हैं यूट्यूब पर, वहाँ समझ सकते हैं। धन्यवाद।